आज हम सीखेंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाना। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें काला नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और 8 से 10 हमें किशमिश चाहिए। 1 कप हमें चीनी चाहिए और ये पेस्ट किया हुआ इमली। इमली को पानी में भिगा के रख देना है 2 घंटे के लिए और इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। अब चटनी बनाने के लिए हम पैन गरम कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें इमली का ये पेस्ट डाल देंगे पैन में। पेस्ट को थोड़ी देर हम भुनेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे। किशमिश डालेंगे। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से डाल लेंगे और इनको मिक्स करके इसको हम 2 से 3 मिनट तक हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसको पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, एक बार और हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट और हम इसको चला लेंगे। इसको कम आंच पे बनाना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा चटनी रेडी है। आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं शीशे के जार में।